नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में उठापटक तेज हो गई है और हलचल तेज करने का श्रेय इस बार कन्हैया कुमार को जा रहा है। कन्हैया कुमार ने एक झटके में कांग्रेस में शामिल होकर के बिहार की राजनीति में एक नया जो है कीर्तिमान स्थापित कर दिया। कीर्तिमान कैसे, तो अब आपको बता दें कि उन्होंने एक नया जो है एक लेवल सेट कर दिया। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस लगातार गर्त में जा रही थी। पहले कितने सीटों पर थी ये बात आपने देखा था 2015 में। इसके बाद बिहार कांग्रेस 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद महज 19 सीटों पर आकर के सिमट गई। वहीं बीजेपी इसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ी। एक और जहां कांग्रेस बिहार में गर्त में जाते हुए दिखी, वहीं बीजेपी में जबरदस्त बीजेपी के विधायकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन अब आपको बता दें कि एक और ये कांग्रेस और बीजेपी की बात थी, लेकिन जैसे ही कन्हैया कुमार बिहार कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बिहार कांग्रेस में आने की उनकी चर्चाएँ तेज हो गई है। इसके साथ ही एक बात स्थापित हो गई है कि अब बिहार की राजनीति में युवाओं का दौर आने वाला है। एक और जहां लोजपा के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, उनके साथ क्या कुछ हुआ, उनकी पार्टी में क्या कुछ हुआ, ये बात आपको पता है। आपको बता दें कि लोजपा में चिराग पासवान जी अकेले रह गए हैं। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जी, जो कि अब केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने 5 सांसदों के साथ अलग गुट बना लिया लोजपा का। चिराग पासवान जी आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। किसी भी दल के साथ हाथ मिलाने से उन्होंने अभी परहेज किया है। तेजस्वी यादव जी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने ऑफर तक दिया था, मीडिया कर्मियों के सामने दिया था, लेकिन चिराग पासवान जी उस ऑफर पर नाक भौं सिकुड़ते हुए नजर आए थे, अभी पीछे हटते हुए नजर आए थे। इसके बाद हमने ये भी देखा कि जब राजनीति की बात होती है चिराग पासवान जी के द्वारा के लिए बीजेपी भी जो है झोली फैलाए हुए हाथ फैलाए हुए खड़ी थी, लेकिन चिराग पासवान जी ने वहां भी स्पष्ट कर दिया कि अभी नहीं। यानी कि चिराग पासवान जी ने अभी अपना रास्ता स्वयं तय करने के लिए जो है मन बनाया है, आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। चिराग पासवान जी अब सड़कों किनारे जाकर के रह रहे हैं, किसी भी घर में रह रहे हैं, कहीं बैठ के खा रहे हैं, तमाम चीजें, यानी कि सड़क बिहार का जो कणकण में जो राजनीति का धूल बसा हुआ है, बिहार के कणकण में जो आशीर्वाद बसा हुआ है, चिराग पासवान जी उस आशीर्वाद को ग्रहण करने में लगे हुए हैं। वही बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की करें तो तेजस्वी यादव जी की तारीफ अब लालू प्रसाद यादव जी भी करना शुरू कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जी भी सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से घोषित कर दिया है कि हमारे उत्तराधिकारी कौन है। और तेजस्वी यादव जी की राजनीति को देखें तो हमने ये भी देखा है कि बीते दिनों तेजस्वी यादव जी की राजनीति के प्रति गंभीरता बनी है। एक और जहां तेज प्रताप यादव जी दूसरे मूड में नजर आ रहे हैं, दूसरे एक्शन में नजर आ रहे हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी राजनीति में जो है बहुत जो है संभल करके कदम रख रहे हैं, अपनी बातों को बेहद गंभीरतापूर्वक रख रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव जी अब जो है मुख्यमंत्री बनने का भी दावा कर चुके हैं। अब देखिए, जैसे ही इधर कन्हैया कुमार आ रहे हैं, इसके साथ ही तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों एक्टिव हो गए। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस में अगर जो है कन्हैया कुमार जी का पदार्पण होता है तो इसे बताया जा रहा था सत्ता के गलियारों में कि सबसे बड़ा खतरा, सबसे ज्यादा डरना तेजस्वी यादव जी को ही चाहिए, क्योंकि अगर महागठबंधन है, महागठबंधन में कांग्रेस है, तो वो कांग्रेस जो पहले चला करती थी राजद के इशारों पर, राजद जो सीटें दे देती थी वो मान लेती थी, तो अब कांग्रेस इस बात को लेकर के जो है अपना भी पक्ष रखेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास एक बड़ा हथियार के रूप में कन्हैया कुमार मिल गया है। ऐसे में अगर बात करें तो जैसे ही कन्हैया कुमार का बिहार की राजनीति में कांग्रेस में पदार्पण हुआ है, इसके साथ ही चिराग पासवान इधर एक्टिव हो गए हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार पर नीतिगत जो है हमला करना शुरू कर दिए हैं। वे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी से संबंध तोड़ने के लिए नीतीश कुमार इतने बेचैन दिख रहे हैं और अपने खर्चे पर भी जातीय जनगणना करा सकते हैं। चिराग पासवान काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, आशीर्वाद यात्रा की जो श्रृंखला है उसे बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में बिहार के हर कण कण तक जो है वो वाफिक होना चाहते हैं। वही बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कहे तो उपचुनाव पर पूरा कंसंट्रेशन उन्होंने कर दिया है। उपचुनाव को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया था पहले कि राजद लड़ेगी, लेकिन अब जो है उनके प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के अनुसार कि राजद महागठबंधन में विचार करने के बाद इस पर फैसला होगा, लेकिन राजद वहां लड़ेगी और जीतेगी। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं वे 2 नवंबर को, यानी कि जो जैसे ही उपचुनाव खत्म होते हैं, उपचुनाव का जो रिजल्ट आता है, इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के। यानी कि इधर कांग्रेस आते हैं, कांग्रेस में कन्हैया कुमार आते हैं, कन्हैया कुमार के आने के साथ ही तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में आपको याद होगा भारत लाइव के पंचनामा का वो शो, जिसमें भारत लाइव की टीम ने आज से 10 से 11 दिन पहले आपको बताया था कि किस प्रकार से बिहार में अब
चर्चा इस बात की होगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहे, शेयर करते रहे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।